Stations for launch control. Kick down. जब गेस्ट आते हैं तो मेरी नहीं मुसीगंजी और औरों की का डिपार्टमेंट मेरा है। इट्स टेकिंग टू मच ऑफ टाइम। इफ आई क्रश दिस शुगर इनटू फाइन पार्टिकल्स, अगर मैं चीनी पीस दूं, देन दिस जॉब विल बी इजियर। फटाफट घुलेगी, मेहनत कम रहेगी। नाउ दिस इज एग्जैक्टली व्हाट एन इंजेक्टर क्लीनर डज। फाइन स्प्रे, याद होगा आपको, बेटर कंबस्चन और तेल जल्दी फूकता है। हर वीडियो में बताता हूँ कि पावर, परफॉर्मेंस, स्पीड, साउंड, धुआं, ये सब कम होते हैं। आज एक बात और बताता हूँ। जब से ड्राइवर शुरू हुआ है तब से मेरे पास ढेरों व्हाट्सएप आते हैं कि हमारा इंजेक्टर ख़राब हो गया, 2 लाख का खर्चा है, 35,000 का खर्चा है और इंजेक्टर ए ख़राब है, ये कोड है, ऐसा है, वैसा है, बहुत तरह की बातें हैं। सेकेंड हैंड दिलवा दो, ये भी लोग कहते हैं। इसका कारण, टाइम पे इंजेक्टर साफ ना करना, एडिटिव भरोसे बैठे रहना। एडिटिव से इंजेक्टर ज़्यादा साफ नहीं होते पर और गंदे नहीं होते, तो वो बहुत बेनिफिशियल है। लेकिन गंदे इंजेक्टर को साफ करेगा एडिटिव, और पर्स में वही रिलेशनशिप है जो टूथपेस्ट और च्युइंगम में है, मिंट दोनों में ही है। अच्छा, पर्स इज़ंट अ प्रोडक्ट, इट्स अ क्लास ऑफ प्रोडक्ट। हर कंपनी का पर्स आता है। आई पर्सनली यूज वर्ड्स पर्स, वर्ड्स का पर्च, मैनी मैनी ईयर्स बैक। एंड द थिंग इज, दीज कंपनीज डोंट सेल पर्च इन रिटेल मार्केट। यू कैन नॉट गेट पर्च ईजीली ऑन द काउंटर। ओनली लिक्वी मॉली सेल्स पर्च ओपनली, तो इसलिए लिक्वी मॉली डीजल पर्च बन गया। एंड जस्ट लाइक आई थिंक जेरोक्स, वो भी यही है। अब ये है जी असली बॉटल, ये आप देख सकते हैं। This is the real bottle, असली stuff, real stuff। इसके ऊपर आप रैपिंग देख सकते हैं, ये देखिए रैपिंग। इसके अंदर एक सील भी होती है। माना कि आपकी कार यूरोपियन है, यू लव योर कार, यू डिसाइड टू क्लीन योर इंजेक्टर्स, यू डिसाइड टू डू अ पर्ज एंड यू एंड अप बाइंग पर्ज फ्रॉम सम वेबसाइट फॉर अ डिस्काउंट, सम क्रेजी डे डील। And what you get is not even purge. Looks like though. Will your injectors be saved? क्या injectors की जान बचेगी? क्या आपका injectors ठीक हो जाएगा, साफ हो जाएगा? Will your car run smooth? Perhaps, maybe. Why and how? कोई additive डाल दीजिए सस्ते वाला, 100-200 रुपये वाला, and that's it. क्या ये होगा उसमें? नहीं, तो आपको तो फीलिंग आ जाएगी कि वाह, मेरी कार बच गई, मजा आ गया, स्मूथ हो गई। एनीवेज, इसलिए ड्राइवर्स से लीजिए, ड्राइवर्स। ये हमारा एक स्टार्टअप है, यहाँ पे 100% आपको ओरिजिनल स्टफ मिलेगा, जेन्युइन बॉटल मिलेगी, यू विल नॉट गेट एनीथिंग। रीजन क्या है? बिकॉज आई पर्सनली चेक ईच एंड एवरी बॉटल फ्रॉम माई ओन हैंड, अपने हाथ से एक एक बोतल चेक करता हूँ। अच्छा, और एक और बात, इंजन साउंड्स बेटर, एवरीबडी नोज। पर्च डालते ही इंजन एकदम स्मूथ फील करता है। कैसे करता है, हाउ, ये भी बताऊंगा। अच्छा, बाय द वे, एक रीज़न तो मैंने आपको बता दिया पर्च करने का, चीनी कम। नाउ देयर इज़ वन मोर रीज़न कि पर्च क्यों करना चाहिए, विच नोबडी टॉक्स अबाउट। एवरीबडी टॉक्स अबाउट इंजेक्टर्स, दैट्स फाइन। अनदर रीज़न that I'm going to talk about in the later part of the video. So stay tuned. This video is gonna be very educative.
we are going to purge this BMW car. This is an N57 engine with 3 liters and 6 cylinders in line. This is quite a common BMW engine in the sense that it has been serving in a lot of cars, including the 740, 750 and 550 diesel and so many other cars. I have already purchased this bottle of purge from Drivers. I'm leaving the link in the description. I have purchased this bottle so many times in past for so many other cars. The problem with this bottle is that there are a lot of counterfeits, nakli, for this bottle available, and looks genuine. Now, as the bottle says, there are two ways to use it. One, it says in the high concentration mode, wherein you run this bottle through the engine in complete concentration, in 100% concentration. Meaning, you just run this because this is also a fuel. It also works as a fuel. So, you run this liquid through the engine as it is. You don't dilute it at all. Now, this is good in case when the engine is completely clogged. The injectors are completely clogged and it needs a thorough cleaning, deep cleaning, as they say. There's another mode, a diluted mode. Now, in diluted mode, you pour the entire bottle into your entire diesel tank. You don't run it concentrated. It doesn't clean deeply. Now, if the injectors are dirty, now this is completely your judgment. Are your injectors dirty or are your injectors clean? So, just in case your injectors are dirty, this mode doesn't work. So, the good part with the first mode is that you get deep cleaning. But the problem is that you have to open up the diesel filter. You have to open up the lines and you have to do a lot of things. You have to play with the engine a lot. And I am not in a mood to do that right now. I don't want to get into the engine with pliers, with pipes, with bottles. I don't want to do that. So we have designed a third way around, which is semi-concentrated, or you can also say semi-diluted. What we do is we mix this in very little diesel and we just run this liquid through the tank. Say, like, if you have 4-5 liters of diesel left in your tank, then and you add this to the diesel tank, you're good. It may not be as effective as fully concentrated mode, but yes, it does quite a lot. It does quite a lot of cleaning. So we are going to do that right now. We have already emptied the tank almost, and we are going to add this bottle, and we have already changed the diesel filter. Now that is very important point. I'm going to explain this in the later part of the video. Now the question is, why am I purging this car? What have I found that makes me think that the injectors are dirty and that I should go ahead and purge the car? Honestly speaking, I don't have much of the NVH data for this car. When I say that, I don't mean to say that I haven't been in an F02 with N57 engine. But, you know, every car feels like a totally different car. For example, if I have, say, a Zen, a Suzuki car, and another friend has a Suzuki car, same model, same everything, they both might feel and respond totally differently. Every machine feels like another machine. So I don't have much of data on this car. So I cannot say, is this car making more NVH? I mean, is this car making more noise, or it needs now... there is something that has changed on this car. I don't have any information on that.
Neither do I have any information on the performance that, okay, this car runs like this, runs like that, itna bhakti, utna bhakti hai. But I have noticed that this car is making some sort of waxy fume, some sort of eye-irritating fume, some sort of eye-irritating smoke. This happens when I park the car inside a closed porch or inside any drive-thru, and there I can feel my eyes burning when the engine is running. In my experience with other engines, I have noticed that when the injectors are dirty, there is this, you know, eye-irritating kind of smoke that starts coming out of the engine. And when you clean the injectors, this goes off. So, I mean, NVH, lack of performance, and smoke. These are the three possible, you know, indicators of dirty injectors. And in this case, since I don't have the first two, I'm totally relying and basing my opinion on the third one, and that is the eye-irritating smoke. So how smooth the engine is right now, I've already shown to you how the engine sounds right now, how exactly the engine behaves on RPMs, different RPMs, how it is sounding. Now the interesting part, the smell, I wish I could smell you the fumes right now, and I wish I could, you know, just share that that smell right now, but I don't have a way to let you smell that thing. So therefore, you have to rely totally on my judgment. So I just had a word with the BMW engineer of this car. Hello. Hi Shantanu, how are you? Hi sir, how are you? I'm good. Yaar, ek quick question hai tumse. What if the car fuel tank goes empty totally? Sir, there are slight chances that the diesel pump might get frozen and later on. Yeah, so we'll have to take out the air from the nozzles and then start the car like that. जैसे रिज़र्व उसकी निकाल देना वो वहाँ पे नोजल से पाइप नीले करके छः का जो एयर आते बबल्स वो निकालना होता है. ये ऑटोमेटिक नहीं करती, खुद को प्राइम नहीं करती? नहीं नहीं, ऑटोमेटिक नहीं करती. So this is the case with all BMWs, yes, just with this car? No, no, for all. I asked him that can we go completely empty on fuel tank on this car. He's advised otherwise. He says that it's not advisable that you go completely empty on the fuel. Reason being that if you go completely empty on the fuel, there might be air bubbles that may get into the fuel line, and we may have to ultimately squeeze them out manually from the diesel filter, and that is something nobody wants to do in the middle of road. So he advised that you may go completely empty. He says you can definitely rely on the kilometers the car is advising you, and pour in some fuel when it's almost zero, and he says that the car goes around 12 kilometers even past zero. So that's not a good news, because in the other car I went completely empty fuel, empty tank, and in this one I can't do that. By the way, let me share with you that I've already replaced the diesel filter a few days back, because I knew that I'm going to purge this vehicle sometime soon. If the filter is kind of dirty, in that case, if you use the semi-concentrated method, the third one that I'm doing right now, the dirt from dirty diesel filter can move forward, enter the injectors and make them further dirty. We always change the diesel filter before purging the vehicle using this semi-dilution method. On
the right side, it's BMW. Crack. The party begins. Of course. We started at 21 kilometers on display. Now we have 2 kilometers left. Now I'm waiting for the zero mark. The moment it touches zero or around zero, I'm going to add some fuel in the tank, burn that again. So now we are sub zero. It is past zero. It doesn't show zero, it just have these 3 blank dots. So now I'm going to get down and put in some fuel. Now we have added 1.25 liters of diesel and still it is showing these 3 dots. 1.25 kilometers translate to around 20-25 kilometers at least. So yeah. Kedarnath 309. Just 300 kilometers baad hamare liye Kedarnath ke ho sakta hai. Wow. Darshan hoenge bhole baba ke. Wow. Dekh abhi bilkul jaisa hai. Throttle मैंने दबाया हुआ है, just press little bit of throttle. Can you find a change? थोड़ा बहुत भी. Of course. देख, I have no way to show, I mean, to make the viewer listen the engine noise. इधर दिखा. See if you can see, this is currently at 1500 RPM and cruising at 80 kmph. And I don't know how to explain the engine noise because there is none. Jo awaaz aa rahi hai is it is coming from the tires only. And I mean, kya kahein? Koi awaaz hi nahi hai. There is hardly any noise. Sound. थोड़ा सा अगर मैं इसको push भी करता हूँ, तो भी नहीं है. देखो. Even if I press the throttle, let me show. Even if I press the throttle, तो भी there's hardly any sound. What do you think? फर्क पड़ा है? बिल्कुल फर्क पड़ा है, है ना? Noticeable difference. Definitely. Now we have covered around 45 kilometers already, and I've just added the second batch of fuel, and now we are good for another 15 kilometers.
was that? जिस लौट किया मैंने वापस अगर सपोज करो मुझे एक ही गियर में खींचनी है तो अगर मैं इसको ऑटोमेटिक में डालूंगा ड्राइव उसमें मतलब तो क्या होगा कि इट इज नॉट गोइंग टू होल्ड द गियर अगर इफ आई हैव टू पुश दैट थ्रॉटल हार्ड तो वो ऑटोमेटिक फिफ्थ पे आ जाएगी एंड इट्स नॉट गोइंग टू होल्ड द सिक्स्थ गियर एंड आई वांट टू होल्ड द सिक्स्थ गियर तो मैंने क्या किया सिक्स पर डाल के आई जस्ट पुट इट ऑन मैनुअल एंड देन आई पुश्ड इट फॉरवर्ड और जब मैं देखा कि आई हैव टू ब्रेक इट डाउन आगे जाके आई हैव टू रिड्यूस द स्पीड तो मैंने इसको फिर से वापस ड्राइव मोड पर लिया है ओके आई हैव जस्ट एडेड अनदर लीटर ऑफ फ्यूल वी एक्सपेक्ट टू कवर 15 किलोमीटर्स इन दिस 1 लीटर फ्यूल अगेन So I assume we have already consumed the purge that we have added to the tank. So this is what it shows. 8.2 kilometers a liter and 22.4 kmph. Range it is showing triple dots, even here also. So that's where we are right now. किलोमीटर हो चुके हैं इट्स बीन 600 किलोमीटर सिंस आई एम ड्राइविंग दिस कार आफ्टर डूइंग द पर्च एंड इट्स बीन मोर देन अ वीक तो अब मेरे पास रिजल्ट्स पर्च के आ चुके हैं एंड आई एम गोइंग टू टेल यू द एग्जैक्ट रिजल्ट्स एंड आई एम गोइंग टू रिकमेंड डूइंग पर्च और अगेंस्ट इट ओनली आफ्टर दीज रिजल्ट्स फटाफट से पहले आपको इंजन नॉइज सुनाते हैं चलिए भी बदबू किसी भी तरह की नहीं आ रही कोई स्मेल नहीं आ रही धुएं की प्रॉब्लम एकदम ठीक हो गई आवाज़ आपने सुन ली धुआं आपने देख लिया जितना भी आई इरिटेटिंग स्मोक आ रहा था कि आंखों में लग रहा था सब जा चुका है अब 600 किलोमीटर मैंने गाड़ी ऑलरेडी चला ली है और एक हफ्ता इसको हो चुका है काफ़ी टाइम हो चुका है टेस्टिंग मैंने कंप्लीट यहाँ पे कर दी है रिजल्ट्स हैव बीन फैंटास्टिक गाड़ी हमने भगा के देखी ऑल्दो इन गाड़ियों में आपको स्पीड की कमी कम रहती है इन द सेंस के आप जितना चाहे भगा सकते हैं सो टू से कि पहले टॉप स्पीड ज़्यादा थी अब और भी ज़्यादा हो गई वुड बी रॉन्ग आई डोंट नो कि कितनी टॉप स्पीड बढ़ी है कितनी नहीं बढ़ी है बिकॉज आई हैव नॉट बीन एबल टू टेस्ट इट ऑन अ रेस ट्रैक ठीक है सो आई कांट से अबाउट दैट आवाज़ में फ़र्क पड़ा है आपने सुन लिया है जो धुएं की प्रॉब्लम थी वो हो चुकी है सॉल्व यानी कि इंजेक्टर साफ यहाँ पे हो गए हैं बहुत बढ़िया साफ हुए हैं और जो सभी BMW ओनर्स को एक प्रॉब्लम आती है दैट विल दिस पर्जिंग अफेक्ट द कार नेगेटिवली यू नो बिकॉज एवरी BMW ओनर हैज़ दिस एप्रीहेंशन इनफैक्ट एवरी यूरोपियन कार ओनर हैज़ दिस एप्रीहेंशन चाहे वो VW हो चाहे वो BMW हो चाहे वो मर्सिडीज़ हो चाहे वो कोई भी यूरोपियन कार इनफैक्ट तो आई कैन वाउच फॉर दैट कि कोई फ़र्क नहीं पड़ा है मतलब इन अ सेंस कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ा है सब कुछ एकदम स्मूथली नॉर्मली जैसा होना चाहिए वैसा हो गया है एंड आई हैव बीन वेरी वेरी सेटिस्फाइड विद पर्जिंग एज पर से सो दिस इज़ अबाउट इट साथ में मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि पर्जिंग में जो इंजेक्टर्स होते हैं दे गेट ल्यूब्रिकेटेड लिटिल बिट एटलीस्ट अ बिट सो व्हेन दे गेट ल्यूब्रिकेटेड जो आवाज़ होती है
इंजेक्टर्स की वो कम हो जाती है. द क्लैटर गोज डाउन सिग्निफिकेंटली डाउन. नाउ ल्यूब्रिकेटिंग इफेक्ट मे नॉट लास्ट फॉर एवर, आई अग्री, बट देन दैट रियली यू नो हैज़ इट्स इफेक्ट. बहुत बढ़िया इफेक्ट आता है उसका. दूसरा, इंजेक्टर साफ करना एक बात है, उसके साथ में पर्ज ऑल्सो क्लीन्स अप द कंबस्चन चेंबर एंड अलॉन्ग विद दैट द एग्जॉस्ट वॉल्व. अब हमारे यहाँ दो वॉल्व होती हैं इंजन में, लाइक यू वुड नो, इंटेक एंड एग्जॉस्ट. इंटेक वॉल्व में जो गंदगी होती है दैट इज़ प्राइमरीली ड्यू टू एयर डस्ट, वो बहुत कम होती है, बट बिकॉज ऑफ ईजीआर का जो धुआं वापस आता है उससे. अब जो धुआं आ गया और वो वॉल्व के चारों तरफ आगे बैठ गया, उससे क्या होगा, द वॉल्व विल नॉट शट प्रॉपरली कम्प्लीटली. उससे क्या होगा कि जो प्रेशर है वो बनेगा नहीं, एंड व्हेन द प्रेशर इज़ नॉट देयर कम्बशन विल नॉट हैपन वेल, अच्छा कम्बशन नहीं होगा. देयरफॉर देयर विल बी अ लॉट ऑफ पावर लॉस, फ्यूल लॉस, आई मीन फ्यूल एफिशिएंसी लॉस एंड एवरीथिंग एल्स. तो पर्ज करने से ये सब भी कहते हैं कि साफ हो जाता है. आई होप सो कि ऐसा हो जाए. सो दैट इज़ अबाउट इट. आई होप आपको ये शो अच्छा लगा हो, आपको सब जानकारियाँ जो भी इन्फॉर्मेशन हमने दी हैं ये आपको अच्छी लगी हो. आप भी पर्ज कीजिए, आपकी गाड़ी पर डेफिनेटली एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस की हम उम्मीद कर सकते हैं. ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को. अगर आप नए आए हैं, फिर मिलते हैं एक और नए शो में. तब तक के लिए धन्यवाद. आपका समय और आपकी व्यूअरशिप के लिए थैंक्स अ लॉट.